नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का एक और परीक्षण किया है जो कि सफल रहा। तो दोस्तों ये परीक्षण जो है पहले के परीक्षणों की तरह नहीं है, इसके अंदर एक नई खासियत जुड़ी हुई है, एक नई हमने अचीवमेंट हासिल की है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस बार हमने वर्टिकल डीप डाइव वर्जन जो है ब्रह्मोस मिसाइल का, उसका टेस्ट किया है। ये वर्टिकल डीप डाइव क्या होता है, जैसे आपने ओलंपिक्स गेम्स के अंदर देखा होगा, एक गेम होती है जिसके अंदर स्विमिंग पूल के अंदर खिलाड़ी जो भाग उसमें लेता है ऊपर से सीधा नीचे की तरफ आता है, उसी तरह से ये मिसाइल हवा में एक निश्चित दूरी पर जाने के बाद में सीधा नीचे की तरफ आती है, यानी वर्टिकली नीचे आती है। इसीलिए इसका नाम रखा गया वर्टिकल डीप डाइव वर्जन। और दोस्तों इसका बेनिफिट ये है कि अगर दुश्मन पहाड़ों के पीछे छिपा हो, मान लीजिए उसे हम सीधे अटैक नहीं कर सकते, तो ऐसे में मिसाइल एक ऊंचाई पे या निश्चित जगह पे जाने के बाद अगर सीधा नीचे आएगी तो हम पहाड़ के पीछे छुपे दुश्मन को भी मार सकते हैं, उसे हिट कर सकते हैं। दोस्तों ये मिसाइल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी स्पीड मार्क 2.8 है, यानी कि ये आवाज की गति से भी 3 गुना ज्यादा है। और दोस्तों इस मिसाइल को हमने सुखोई 30 फाइटर जेट से भी लॉन्च कर रखा है। दोस्तों इस मिसाइल का जो अपग्रेडेड वर्जन है उसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है और वो भी अभी तैयार हो चुका है। ये बात ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ सुधीर कुमार मिश्रा ने दूरदर्शन को इंटरव्यू देते हुए बताई। उन्होंने कहा कि पहले भी हम इसे विकसित कर सकते थे लेकिन हम एमटीसीआर के सदस्य नहीं थे, लेकिन अभी जब से हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में सदस्यता मिली है तब से हम इसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं, इसलिए अब हमने इसकी रेंज को बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों सुधीर कुमार जी ने बताया कि इंडिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया है जिसने लॉन्ग रेंज मिसाइल को अपने फाइटर जेट से फायर किया है, क्योंकि इससे पहले हम सुखोई 30 से भी इसको लॉन्च कर चुके हैं। और दोस्तों उन्होंने बताया कि इससे कन्वेंशनल वारफेयर का सिनेरियो ही चेंज हो गया है, क्योंकि अब हमने वर्टिकल डीप डाइव वर्जन का भी टेस्ट कर लिया है, तो अब हमारे पास एक डबल सफलता आ चुकी है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों उन्होंने बताया कि सुखोई 30 से फायर किए जाने वाले जितने भी वेपन है उनमें ब्रह्मोस सबसे भारी वेपन है। और दोस्तों उन्होंने बताया कि हम 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी शिप को गिरा सकते हैं समुद्र के अंदर। इसके अलावा अगर टारगेट लैंड पे है यानी जमीन पे है तो भी हम कई 100 किलोमीटर की दूरी पर उसको गिरा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हमने पास्ट में सुखोई 30 से इसके 1000 किलोमीटर वाले वर्जन का भी टेस्ट कर रखा है। हालांकि दोस्तों वो भी इंटीग्रेट नहीं है, उसे पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन हाँ हमने टेस्ट जरूर कर रखा है। दोस्तों उन्होंने बताया कि आर्मी नेवी और एयर फोर्स का ये पसंदीदा वेपन बन चुका है और इसका 90 डिग्री जो वर्शन है वो एयरक्राफ्ट कैरियर को भी किल कर सकता है। और उन्होंने बताया कि ब्रह्मोस एरोस्पेस को जब से हमने बनाया है तो हमने ये टेक्नोलॉजी खुद विकसित की है, इससे पहले न तो रशिया में न ही इंडिया में ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। और दोस्तों एक चीज और बताएं, इसमें भारत का बड़ा रोल है, हालांकि ये इंडिया और रशिया का ज्वाइंट कोऑपरेशन है लेकिन भारत का बड़ा रोल है, क्योंकि जब इसको सुखोई 30 पे फिट किया जाना था तो रशिया ने हमें मदद की पेशकश की थी लेकिन उन्होंने बदले में काफी ज्यादा पैसे की डिमांड की थी। तो ऐसे में भारतीय वैज्ञानिकों ने बोला कि हम खुद इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और उन्होंने बहुत ही कम कॉस्ट में इसको इंटीग्रेट करके दिखा दिया। दोस्तों आर्मी के फॉर्मर डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रतो साहा ने भी एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि इस मिसाइल का डीप डाइव वर्शन जो है वो एक गेम चेंजर होगा, स्पेशली माउंटेन वारफेयर के लिए, क्योंकि दोस्तों जब कारगिल वार हुआ था तो उस समय दुश्मन ने अपने बंकर पहाड़ के पीछे बना रखे थे, उस समय हमारे पास ऐसी कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उनसे निपटा जा सके, लेकिन अब चूंकि हमारे पास डीप डाइव वर्शन आ चुका है तो हम सीधा पहाड़ के पीछे छिपे दुश्मन के बंकर को या उसे उड़ा सकते हैं। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। धन्यवाद। जय हिंद।